विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर समाज सेवी संगठनों ने सिविल लाइन स्थित एक रेस्टोरेंट पर गरीब वरिष्ठ नागरिकों में वस्त्र और भोजन वितरित किया गया। आपको बता दें कि एक सामाजिक संगठन द्वारा जनता फ्रिज के माध्यम से आम जनता के लिए भोजन की व्यवस्था किया जाता है। जनता फ्रिज में प्रतिदिन 200 के आसपास भोजन के पैकेट रखे जाते हैं। भोजन के पैकेट रखने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण संगठन द्वारा दर्ज किया जाता है। इसी क्रम में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर गरीब नागरिकों में वस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान अनुराग चंदवासिया, प्रीति चंदवासिया, सतीश द्विवेदी और अश्वनी गुप्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए सुप्रिया द्विवेदी ने कहा, आप लोग जो सुप्रिया द्विवेदी, इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन्स डे है, तो बस उसी उपलक्ष्य में आज जनता फ्रिज पे एक कुछ पुराने गरीब लोगों को बुला के, जो सीनियर सिटीजन्स है बेसिकली, उनको बुला के हमने आज यहाँ पे खाना और कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उनको खाना दिया गया है और उनको उनके हिसाब के, उनके पसंद के कपड़े जो हमारे जनता फ्रिज जनता अलमारी में रखे थे वो दिए। नहीं, हम लोग हैं रंगरेजा और हमारे फ्रेंड्स हैं प्रीति चांदवासिया और अनुराग चांदवासिया, ये लोग भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं इन सब चीज़ों में, तो हम लोग मिलके ये नेक काम करते रहते हैं। समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में संदेश देखिए यही है कि जितने भी आपके आसपास गरीब हैं, भूखे हैं, उनको खाना खिलाइए। उनको अगर जो आपके पास कपड़े रखे हैं तो उन्हें कपड़े दीजिए, क्योंकि अगर जो आप बचा हुआ खाना फेंक देंगे उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वही खाना आप किसी के पास जाएगा, किसी के पेट में जाएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको दुआएं भी मिलेंगी। मैं समाज से यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।